देख रहे हैं बिहार का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, जिसके नेतृत्व में युवाओं को नौकरी, महिलाओं को उचित रिप्रेजेंटेशन और हमारे बिहार का कल्याण सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी के ही नेतृत्व में संभव है। और ये सारी बातें तो जो विपक्ष में सरकार है वो भी दावा करती है कि हम भी रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। दावा करने से क्या होगा? अच्छा। अभी आप देखे हैं क्या हुआ है, पलटू राम कैसे पलट गए। अच्छा। लेकिन नीतीश कुमार के सरकार में कोई विकास भी नहीं हुआ है क्या? 15 साल से नीतीश कुमार सरकार में है। अरे 17 महीने बनाम 17 साल आप देखिए ना, क्या तेजस्वी जी ने क्या विकास का आलम लाया है। कहते थे नौकरी कहाँ से देंगे, कहाँ से पैसे आएगा, सब देखा ना आपने। जब देखा कि अब तेजस्वी बिल्कुल लोगों में तो अब तेजस्वी तेजस्वी हो रहा है, तो इन लोगों को पचा नहीं और पलटू राम पलट गए। अच्छा, सिर्फ आपको यही शिकायत है नीतीश कुमार से कि वो पलट गए? बिल्कुल पलट गए। आप कैसे पलटते हैं आप ही बताइए, पलट नहीं गए होते हैं तो क्यों चले गए? अच्छा, क्या कारण था? पहले तो वो बीजेपी के साथी थे। हाँ, वो बोल रहे हैं कि हम थोड़ा सा बहक गए हैं। अब वो खुद जब बोल रहे थे आप हमसे क्या पूछ रहे हैं? आपको तो खुद ही बता दिए कि क्या हो रहे हैं वो। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव जो है अगर सरकार में आ जाते हैं तो रोजगार देंगे युवाओं को? बिल्कुल देंगे, सिर्फ रोजगार ही कर दिखा दिया उन्होंने। अच्छा, महिलाओं को उचित सम्मान दे रहे हैं वो। अच्छा, अभी जो वर्तमान की जो सरकार है इसमें महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रही क्या? क्या रिप्रेजेंटेशन है आप नहीं जानते हैं क्या? आप ही बताइए क्या उचित कहाँ मिल रहा है। तेजस्वी जी ने जो अपनी पार्टी में दिया है हर वर्ग के लोगों को, वो कहाँ कहीं मिल रहा है? अच्छा, महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है किसी भी पार्टी में, सिर्फ जेडीयू को छोड़ के तेजस्वी जी दे रहा है। हम तेजस्वी जी को जानते हैं, बाकी में क्या हो रहा है वो आप हमसे बेहतर जानते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है आंटी, आपके जो नेता तेजस्वी यादव हैं वो बिहार में विकास ला देंगे? हाँ बिल्कुल ला देंगे वो। हाँ, जैसे मोदी ने किया क्या? अच्छा। पहले तो ये बतला दीजिए पब्लिक, पूरा जनता, आप ही लोग बतला दीजिए मोदी ने किया क्या? मोदी कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, खाली हिंदू मुसलमान का लड़ाई लड़वाया और वोट को बटोरा। मस्जिद से आपको रोजगार मिल जाएगा? नहीं मिलेगा मस्जिद से रोजगार। हाँ, मंदिर से रोजगार मिल जाएगा? नहीं मिलेगा मंदिर से रोजगार। मिलेगा, पब्लिक को क्या चाहिए? नौकरी, रोजगार, कंपनी, फैक्ट्री, हिंदू मुसलमान करके लड़वाया वो एकदम। अब झोला उठाइए और चलते बनिया। अच्छा। ये निश्चित है इनका, मोदी जी का। मोदी जी से क्या तकलीफ है? मोदी जी से बहुत, इस देश को बेच रहा है और देश हमारा हिंदुस्तान हमारा है। अच्छा। पूरा जनता का है तो मोदी जी देश बेच दिए? हाँ, खरीदा कौन है जब मोदी जी ही देश बेच दिए? तो बेच दिया, एकदम बेच दिया, सारा चीज बेच दिया। खरीदा कौन है? खरीदा कौन? अंबानी, अडानी और क्या करेगा। सीबीआई लगा दी है, अभी हम बोलेंगे मेरे ऊपर सीबीआई लगा देगा। लगा दो, जो भ्रष्ट है उन्हीं के ऊपर सीबीआई लग रहा है, लग रहा है। और जो सबसे मुंह चेहरा काला है उसके ऊपर कोई सीबीआई नहीं है। अच्छा। और जितने भी बीजेपी के आदमी है सब पे मुंह पे काली की लगा हुआ है, दागी आदमी है। मोदी जी पे भी काला लगा हुआ है पूरा दागा। ऊंचाई बेचते बेचते पहुँचा के इस देश को पूरा, मेरा बाप का बेच दे। अरे जनता का है तो फिर खरीदार कौन है जब मोदी जी ही देश बेच रहे हैं? तो अडानी। क्या खरीद लिए अंबानी और अडानी? सब तो खरीद लिया। आप क्या खरीद लिया? आप लोग खुद सोचिए, आप ही बता दीजिए ना, आप बोल रहे हैं तो आप लोग ही खुद सोचिए ना क्या खरीदा है। क्या आप सवाल कर? रेल खरीद लिया क्या? नहीं, कंपनी खरीद लिया, सारा चीज, एयरपोर्ट खरीद लिया, नहीं बोलिएगा, सब कुछ खरीद, सब कुछ खरीद लिया। अच्छा। हम किसी से डरते नहीं है, जनता हमारे साथ है। तो आप लोगों ने देखा कि प्यार गया सीमा परवीन। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो ये आरजेडी के समर्थक महिलाएं हैं उनका ओपिनियन है। और मिलते हैं इस तरह के और नए वीडियो में, तब तक के लिए।